इस अभी चीज़ की डिप्रेशन को दिल से हम कनेक्ट नहीं कर पाते, उनके दिल में घर नहीं बना पाते। सॉरी मुझे सॉरी कहने से अच्छा है संभल जाओ, सबको आँखें की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मेचुआना कैसे आप लोग? मेचुआना देखते हैं छेछरा। शांति सर, वो शांति सर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? हम अच्छे हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आप सब भी ठीक होंगे। मैं आपका भाई विकास। मैं बीमू। मेचुआना एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो कि कुछ दिनों से हमारा प्रॉपर वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत डिमोटिवेटेड और हमारे लाइफ में भी बहुत हलचल हो रही है, बहुत उथल पुथल है ना, बहुत कुछ हो रही है। तो वो आप लोगों को कुछ कुछ शेयर कर रहे हैं, लेकिन मतलब आप लोग प्रॉपर नहीं देख रहे हो, बहुत ज़्यादा व्यूज मतलब कुछ अच्छा व्यूज नहीं आ रहा है, तो इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। और आज भी हम दिन भर में कुछ भी नहीं शूट किए हैं, क्योंकि हम दो चैनल अभी चला रहे हैं, एक विकास जी वीडियो डाल रहे हैं और एक मैं डाल रही हूँ बीमो ऑफिशियल पे। लेकिन आज हमने किसी भी चैनल के लिए वीडियो नहीं शूट किए हैं, क्योंकि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ये भी टेंशन में रहते हैं, मैं भी टेंशन में रहती हूँ, और इतना ज़्यादा टेंशन रहता है कि कुछ चीज़ का मतलब ख्याल नहीं रहता है दिन भर, मतलब कुछ करना ही नहीं है, मतलब कुछ करना अच्छा नहीं लगता, सर दुखता है। आपका भी ना, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो आज फिर हमारी ज़िंदगी में और भी कुछ हो रहे हैं, तो वो भी शेयर करते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं आप लोगों को। अगर ज़्यादा जानना चाहोगे तो वो भी बताएंगे। हम लोगों अभी आँखों के अभी चेकअप करने जा रहे हैं ना, कुछ दिनों से मतलब हॉस्पिटल जा रहे हैं। इनका तो सर्जरी हुआ है आँखों का, तो वो आप लोगों को पता ही है। और मेरा भी मतलब जो दूर का विजन है वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इसको चेकअप कराने के लिए जब 4 साल पहले मैं गई थी तो मतलब ठीक ठाक थी, ऐसे ही नॉर्मल चेकअप थे, ठीक ठाक था। इस बार गई तो मुझे भी ब्लू कट लेंस लिख दिए है डॉक्टर ने, जिसकी वजह से हम लोग बहुत टेंशन में है। और बोले कि मतलब शायद बहुत दिन तक लगाना होगा ये ग्लास, मतलब शायद लाइफ टाइम। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है इसके लिए, और ये चैनल पे भी व्यूज नहीं आ रहा, तो इसके लिए भी वीडियो बनाना नहीं अच्छा लग रहा। तो जैसे कि आप लोगों को बोले कि आज दिन भर में हमने कुछ भी शूट नहीं किए थे, तो पाँच बजे मैं मतलब घर में कुछ भी सब्जी नहीं था, तो मैं बोली कि मैं जा रही हूँ, इनको बोली चलो। तो ये भी बहुत टेंशन में थे, आज भी गए थे हॉस्पिटल, तो सारा दिन हॉस्पिटल ही रहे और वहाँ से आए शाम को, तो मैं छोड़ दी, मैं बोली थके होंगे तो मैं खुद जाती हूँ। तो जब मैं बाहर निकली साइकिल को लेकर, तो सुहाना बोली कि मैं भी जाऊँगी, तो मैं बोली कि ठीक है चलो। और जो बात मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ ये इनको भी नहीं पता है ना, तब से इसे तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस तब से वैसे ही बैठे हैं, इनको भी पता नहीं है। तो आप लोगों के साथ ही इनको भी पता होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ क्या हुआ, जब मैं घर से निकलने लगी तो मेरा पैसा जो था वो दूसरे जैकेट के पॉकेट में था, तो मैं उस जैकेट में से क्या करी कि ऐसे ही बिना देखे ही 3-4 ठो जो होता है 100 रुपीज़ 100 100 का नोट 3-4 ठो मैंने ले लिए। मुझे भी पता नहीं था, ऐसे मुझे मैं कन्फ्यूजन में थी कि या तो 300 होंगे या तो 400 होंगे करके मैंने ले लिया। और ये देखिए, ये है मेरा पॉकेट, इसमें मैं डाल ली, और ये जो चैन है ये नहीं लगाई। मतलब उतना टेंशन में, इतना टेंशन में रहता है, इतना डिप्रेशन में कि कुछ चीज़ का ठिकान मतलब ख्याल नहीं रहता है। तो उतना मैं सोची नहीं, इसमें डाल ली, बस निकल गई। सुहाना बोली मैं भी जाऊंगी, तो सुहाना को भी बैठा ली पीछे और चली गई। मैं ना सब्ज़ी के बाज़ार में चली गई, वहाँ पे जाके मतलब मैं प्याज ली। और जैसे मैं पैसा देने के लिए ऐसे हाथ जेबी में मतलब अपना पॉकेट में डालती हूँ, तो पैसा ही नहीं है। अब तो मतलब मुझे तो क्या बताओ, क्या फील हो रहा था उस वक्त। तो वे फिर बोली कि उस प्याज वाली दीदी को रहने दीजिए, मैं अभी आती हूँ। तो उनको बुरा भी लगा कि क्यों, मतलब उनको लगा शायद दूसरे जगह पे जा रहे हैं। बोले कि क्या हुआ, अच्छा प्याज है, हमने ऐसा वैसा मतलब क्वालिटी प्याज के बताने लगे। मैं बोली कि वो बात नहीं, टेंशन हो गया, सुहाना को बैठा लिया और वापस आ गए। जिस रोड से मैं जा रही थी उसी रोड से, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ पर कोई ना पहुँचा हो, वहाँ पर पैसा रहे है ना, और मैं आ रही थी। आप क्या फील कर रहे हो अभी, कुछ तो बोलो, कुछ नहीं बोलना। तो मैं आ रही थी, तो जब थोड़ा दूर आई है ना, लगभग 10-15 मिनट हो गए होंगे मतलब इस वे में, सुहाना बोल रही कुछ नहीं ली, तो सुहाना बोल रही मामा पैसा भूल गई आप, तो मैं बोली हाँ। तो आई, तो जब मतलब अपने घर के थोड़े ही दूर मतलब बुझिए ना, 2 मिनट अपने घर से 2 मिनट वहाँ पे गई, तो ऐसे लगा कि मतलब 100 रुपीज़ है। तो मैं वहाँ पे गई तो एक औरत वहाँ से जा रही थी, आंटी, उनको भी सेम टाइम पे नज़र पड़ी। तो मैं पहुंची वहाँ पे, तो मैं बोली कि ये मेरे पैसा है, तो बोले कि हाँ। तो बोली हाँ, लेकिन मैं बोली कि लेकिन और भी था मेरा, एक ही 100 ही नहीं था। तो ऐसे पीछे देखा, वो आंटी ही देखी ऐसे पीछे, तो बोली हाँ वहाँ वहाँ है। तो ऐसे ऐसे करके वहाँ पे, तो फिर मैं सारे पैसे उठाई तो 400 था। तो मैं क्लियर भी नहीं थी, ऐसा मुझे लग रहा था या तो 300 हो गया तो 400। तो उस वक्त जो फील हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ, मतलब वो आंटी भी बोल रही थी कि आपके नसीब में था, आप खो दिए फिर भी आप पा लिए।
तो यही कुछ आप लोगों से शेयर करना था कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं कि कुछ भी मतलब ख्याल में नहीं रहता है। ये पॉकेट में मैं यहाँ पे देखिए चेन है, ये लगा सकती थी लेकिन डिप्रेशन के कारण से नहीं लगा सकी। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? यही बस छोटा सा शेयर करना था। और सुहाना भी बोलेगी, सुहाना को भी पता है। सुहाना बोलो क्या हुआ था? पैसे गिर गए थे। कहाँ पे? आंटी के पास। तो कैसे 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 मिला? हम वापस आए तो वहीं पे थे ना। हाँ, तो यही शेयर करना था। आप कुछ कहिएगा इस पे, कुछ कह दीजिए, चिल्ला लीजिए कुछ मुझ पे, कह दीजिए। ना यार, मैं इतना ही कहूँगा कि देखो, जितने भी टेंशन हमारी ज़िंदगी में है वो तो है ही। आज के डेट में जो हमें जिससे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते वो पैसे ही है, ठीक है? या कुछ जो भी चीज़ हमारे पास है उसको, तो उसका ख्याल रखा करो। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आप बहुत चीज़ खो चुके हो, याद रखो उस बात को, ठीक है? जब हमारे औकात 0 रुपए की थी तब तक आप ना जाने कितनी कीमती कीमती चीज़ दूसरों के खोए हो, और हमें भरपाई भी करना पड़ा है, पता है ना? और उसके बावजूद भी फिर से इतने गड़बड़ कर रहे हो, मतलब अच्छी बात नहीं है। हमारे हालात ठीक नहीं हुए हैं, 5 साल पहले जिस हालत पे थे अभी भी हम वही हैं। मतलब मैं जानबूझकर नहीं करती हूँ, देखिए तब भी मतलब तब किस भी चीज़ की डिप्रेशन, तभी जितना डिप्रेशन बताओ आप, बार बार जिक्र की इस बात की कि डिप्रेशन में किस चीज़ की डिप्रेशन? हेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर, अभी अभी हमारे एक यूट्यूब चैनल भी है उसको लेकर डिप्रेशन नहीं होता है, टेंशन क्या नहीं हुआ होता कि है। व्यूज नहीं आता है, अच्छे वीडियो नहीं बनाते होंगे हम हमारे वीडियोज पसंद नहीं आते होंगे देखने वालों को, उनको दिल से हम कनेक्ट नहीं कर पाते, उनके दिल में घर नहीं बना पाते, इसीलिए नहीं व्यूज आते हैं। जब हम उनसे अपना रिलेशन बना पा रहे थे तब अच्छे व्यूज आते थे ना। गलती तो उन लोगों में नहीं है ना, गलती तो हमें ही होगी ना। तो अपने गलती को ढूंढने के बजाय, उसको ठीक करने के बजाय डिप्रेशन में चले जाओगी। टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। वो पैसा जो खो गया था तो मतलब मैं तो क्या मतलब जितने चीज़ जितने भी पहले हुआ है ना, मैं सारे कुछ रिमाइंड हो रहा था। मैं बोल रही कि तब भी मैं ऐसा ही थी, अभी मतलब क्या हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा खुद को कोस रही थी मैं, क्या बताऊँ। लेकिन लक अच्छा था, नसीब अच्छा था कि मिल गया। सॉरी, मुझे सॉरी कहने का अच्छा है, संभाल जाओ, ठीक है? इतना ही कहूँगा। और आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हो तो जिनको इतना ही कहिए कि कुछ नहीं हुआ है, मानते हैं हम कि बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं इंसान की ज़िंदगी में। वैसे तो शरीर के हर अंग मायने रखती है और सबसे ज़्यादा आँखें हैं, मानता हूँ आँखें की प्रॉब्लम हम सबको जूझ रहे हैं, सबको आँखें की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और उसमें ही इतने बिजी है कि वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान खुश रहता है तो अच्छे अच्छे कंटेंट बनाए, चैलेंज करे, वो करे, ये करे होता है। इनको चश्मा लिख दिए हैं डॉक्टर, हर 2 दिन 4 दिन पे हमको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। इतना टेंशन में हम वीडियो भी नहीं शूट कर पा रहे हैं, और ऊपर से व्यूज नहीं अच्छा आ रहा, तो वैसे भी अच्छा मतलब मन नहीं लग रहा वीडियो शूट करने को। तो यही बात आप लोगों से शेयर करना था फ्रेंड्स। और आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है क्या, कमेंट करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।